नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में करवाहट लगातार बनी हुई है। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह पस्त हो चुके पाकिस्तान के लिए अब भारत का साथ काफी जरूरी हो गया। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कई बार भारत के साथ बातचीत का जिक्र किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। साल 2014 के बाद से ये पहला मौका है जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत की धरती पर कदम रखेगा। यहां वो विदेश मंत्रियों की SCO बैठक में हिस्सा लेंगे। दरअसल पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज बलूज ने बताया कि आने वाली 4 और 5 मई को होने वाली संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO बैठक में विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें न्योता दिया था, जिसे स्वीकार कर वो भारत दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालयों की यह बैठक गोवा में होने जा रही है। अब करीब 9 साल बाद पाकिस्तान का कोई बड़ा नेता भारत आ रहा है, इसलिए इसे कई नजरिए से देखा जा रहा है। साल 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पहुंचे थे। इसके बाद से पाकिस्तान का कोई मंत्री या नेता भारत नहीं आया। बताया जा रहा है कि चीन और रूस की तरफ से शुरू की गई इस फॉर्म की पाकिस्तान अपनी मौजूदगी को दिखाना चाहता है। इस फॉर्म का उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का है, इसलिए पाकिस्तान इस मौके पर को पूरी तरह से गंवाना नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहेगा कि भारत के साथ इस मौके पर द्विपक्षीय बातचीत हो। भले ही पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ रिश्ते सुधर जाएं और ट्रेड को और ज्यादा मजबूत किया जाए, लेकिन इस पर भारत का रुख अभी भी साफ है। भारत का साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसके अलावा कश्मीर में जारी आतंकवादी घटनाओं पर लगाम लगाने तक भारत पड़ोसी मुल्क के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता, क्योंकि घाटी में होने वाली तमाम आतंकी हमलों में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत मिलते रहते हैं। पाकिस्तान भारत की दोस्ती इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान लगातार 370 को बहाल करने का जिक्र करता है। पाकिस्तान ने जब तक कश्मीर राग अल्पना नहीं छोड़ा, पाकिस्तानी मंत्री और सरकार की तरफ से पिछले दिनों ये बयान सामने आए थे कि जब तक कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिफिशियल 370 को वापस नहीं लिया जाता, तब तक भारत से एक मंच पर बात नहीं होगी। हालांकि अब गोवा में होने वाली SCO बैठक में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि पाकिस्तान कश्मीर का जिक्र करता है या नहीं। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो दोनों देश के बीच इस मंच से दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। हालांकि इसके काफी कम ही आसार दिख रहे हैं। आपको बता दें, भारत से बातचीत का रास्ता अपना सकता है पाकिस्तान। भारत से तमाम तरह के व्यापार पाकिस्तान की इकोनॉमी में सुधार ला सकते हैं। वही कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर पर अपना स्टैंड कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो हर बड़े मंच पर इस मुद्दे को उछालकर मौके का फायदा उठाता है। ऐसे में पाकिस्तान SCO बैठक का भी कश्मीरी मुद्दे को लेकर मंच पर इस्तेमाल करने ही वाला है। अब देखना है कि बैठक के बाद क्या कुछ होता है, क्या कुछ बयानबाजी सामने आती है, क्या पाकिस्तान का स्टैंड होता है। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।